सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आकाश एंड यू आर वॉचिंग एम बाई कॉलिक्स। और टाइम हो रहा है अभी 4:49 शाम के, उस पर ये टाइम हो रहा है। और बाइक देखो कितनी गंदी हो रखी है, शायद वीडियो में इतना पता ना चला बट बाइक जो है ना काफ़ी गंदी हो रखी है, क्योंकि रीज़न आपको पता ही है अच्छे तरीके से, क्योंकि बाइक जो है आजकल बहुत ही कम चला रहा हूँ मैं। ये मेरे को थोड़ा लूज लग रहा है, ये कैसे लूज़ हो गया, इसको जो है टाइट हो गई। हाँ तो मैं बोल रहा था कि बाइक जो है ना काफ़ी कम चलती है, बिकॉज कहीं आना जाना है मेरा है नहीं ना, इस वजह से जो मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे। तो मैं जा रहा था अभी महपालपुर की तरफ, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग कर लिया जाए। और इसको क्या हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो ही रही है, क्या हो गया इसको, स्टार्ट के इग्निशन ऑन नहीं हो रहा इसका। इसको क्या हो गया, अभी तक तो सही थी ये। अच्छा तो सेल्फ नहीं ले रही अभी, मीटर पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था। बाइक जो है गंदी हो रखी है, तो उसको भी साफ़ करूँगा मैं। और सीन जो है अभी ये है कि फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है आज से, मतलब रात से लग जाएगा 10 बजे से, आज है मंडे। तो इस बार जो लॉकडाउन लगा फिर से 1 हफ्ते के लिए लगा। मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ महपालपुर, तो मम्मी ने पहले बोल दिया कि कैमरे में नहीं आना चाहिए मैं, मतलब मम्मी ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, ताकि लॉकडाउन में मिले ना मिले, बाकी ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं लॉकडाउन में कि बिल्कुल ही आपको सामान ना मिले, जो घर की ज़रूरत की चीज़ होती है वो तो सब मिल जाता है आपको। तो आज रात से ही लॉकडाउन है 1 हफ्ते के लिए दिल्ली में, तो इसी वजह से कुछ मार्केट में थोड़ी भीड़ वगैरह है, लोगों में डर है कि कहीं अगर मार्केट वगैरह सही से अगर लॉकडाउन में बीच में ना खोले तो उनको सामान वगैरह की दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए लोग पहले ही काफ़ी सामान ले कर रख रहे हैं। और वैसे मैं एक और बात बोलने वाला था कि मेरा इस महीने का एक और रोड ट्रिप का प्लान था जो कि पोस्टपोन हो गया है। अब जो जब लॉकडाउन और कर्फ्यू वगैरह सब हट जाएगा उसके बाद हम लोग एक दूसरे रोड ट्रिप प्लान करेंगे। वैसे हमारा हिमाचल का प्लान था बट वो भी पोस्टपोन हो गया, हिमाचल का भी था। और इस महीने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मंथ में मतलब अप्रैल में 27 के आसपास मेरा वैष्णो देवी का प्लान था, वो भी सब कैंसिल हो गया है बस ये लॉकडाउन की वजह से ही। तो हमने जितने भी मतलब टिकट वगैरह बुक करी थी हमने सब कैंसिल कर लिए, तो जब लॉकडाउन वगैरह सब फिर से हट जाएगा तो हम बाद में फिर प्लान करेंगे। और आज बाइक काफ़ी टाइम बाद ही चला रहा हूँ मैं, सीरियसली बाइक गंदी भी हो रखी है काफ़ी। और इस साल मेरी पूरी पूरी प्लानिंग है नई बाइक लेने की, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे प्लानिंग है कि मेरे बर्थडे तक मैं बाइक ले लूँ, आई मीन कि अगर जो बुकिंग वगैरह करनी रही तो पहले ही कर दूँगा, बट कोशिश है कि डिलीवरी तो अपने बर्थडे वाले दिन ही लूँगा, बाकी देखते क्या हिसाब किताब क्या बनता है। और जो है गर्मी भी काफ़ी हो रखी है आजकल, लगभग आज ही दिन में 40-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, तो इतनी गर्मी में तो वैसे ही निकलना नहीं बनता, प्लस लॉकडाउन और हो गया तो वैसे ही लोग और नहीं निकलेंगे बाहर। मैं आ गया महपालपुर में, और ये है मानवी, और ये बहुत ज़्यादा शरारती लड़का है ना, चलो अपने बारे में कुछ बताओ। ये क्या हुआ ना, अपने बारे में बताओ, चलो पूरा नाम बताओ आपका क्या है, है? तेज आवाज में, तेज आवाज में बस। और मानवी क्या आगे, देव। मानवी देव। हाँ।
और कौन से स्कूल में हो? है कौन सा? तेरी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। डीपीएस में? अच्छा, और कौन सी क्लास में हो? है कौन सी क्लास में? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्लास में ही। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ घर पे। मैं गया हुआ था, वैसे महपालपुर गया था, मम्मी के साथ गया था, मेरे मामा के घर है वहाँ पे। तो महपालपुर से तो मैं आ चुका हूँ और अभी टाइम हुआ है 11 बज चुके हैं, लेकिन मैं आ गया था लगभग 7:30 बजे करीब आ गया था। और उसके बाद जो है, मैं आने के बाद, घर आने के बाद चला गया था मार्केट में और थोड़ा सामने पार्क वगैरह में ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि आज फ्री हूँ तो थोड़ा घूमने का मन कर रहा था। तो उस टाइम मैं थोड़ा वैसे भी घूमने निकल जाता हूँ शाम के टाइम, कभी साइकिलिंग कर लेता हूँ या कभी सामने पार्क में ऐसे घूम लेता हूँ। बट अभी मैं आ गया हूँ घर पे और अभी मैं जो अपने खाने की तैयारी कर लेता हूँ, और अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक मतलब किसी से मिलवाने वाला हूँ, तो रुको ज़रा। और पहले मैं खाना खा लेता हूँ, अभी जो है मैं अपना डिनर रेडी कर रहा हूँ। बस मैं अब दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं किचन में चलता हूँ अभी। तो इसके अंदर है भाजी ये, और यहाँ पे है पाव, और अभी मैं इसको जो है सेकूँ। तो पहले जो मैं अपना जो है पहले ये बना लेता हूँ, फिर मैं खाऊँगा। और ये जो है पूरी बन चुकी है, बस इसमें ये सेकनी मेरे को। तो डिनर रेडी है और मैं देख रहा हूँ अपने मेरे स्पीति वाले व्लॉग्स, और अपना डिनर अभी इसको इस तरीके से करूँगा मैं। सो गाइस, डिनर मेरा हो चुका है और अभी जो है मैं जो अपनी ये स्पीति वैली वाला जो रोड ट्रिप है वो पूरी सीरियस अभी मैं पूरा देखूँगा, क्योंकि एक बार इसको पोस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो मैं जो है अभी अपना स्पीति वैली वाली रोड ट्रिप जो मैंने करी है, और अमृतसर, मनाली, मतलब मैंने जितने भी रोड ट्रिप वगैरह अभी तक करी हैं, जो भी मेरे चैनल पर अपलोड करी हुई है, वो मैं सब अभी जो है वापस दोबारा देखने वाला लॉकडाउन में। और ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है, अगर मेरा मैं अपने व्लॉग्स देखता हूँ तो ये एक तरीके से मेमोरीज होती है जिनको हम वापस उन्हें मतलब याद करते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है देखने में कि जहाँ जहाँ पर भी हम घूमे तो हमने कितना एक्सप्लोर किया हुआ है। और आने वाले टाइम में मैं और भी जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा। तो जैसे मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में भी बताया कि लॉकडाउन हटने के बाद और कि मैं एक और रोड ट्रिप करूँगा, बट ये मेरे को भी खुद अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्लान बन सकता है कश्मीर पर बन सकता है या हिमाचल में कहीं का भी प्लान बन सकता है। तो वो तो खैर आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। फिलहाल जो है मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ, तो मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे पेट से, जो मैं कुछ टाइम पहले ही लेकर आया हूँ, बट अभी तक मैंने अब किसी भी वीडियोज़ में नहीं आपसे मिलवाया। तो मैं एक बार अभी आपसे उनको मिलवा लेता हूँ। सो गाइस, ये हैं वो पेट्स और ये हैं गिनी पिग्स, इनको कहते हैं गिनी पिग्स। तो इसका नाम है गुरगुरे और उसका नाम है टाइशू। वो थोड़ा डरपोक सा है बट ये जो है ना मतलब मस्ती के मूड में रहता है। तो एक बार इनको ये देखो, जैसे इसने देखा कि केज मैंने ओपन किया तो वो डर के बैठ गया, इससे पहले तो खाने में बीज था। अब ये देखो, अगर इसको थोड़ा देख, अब ये देख रहा है कि मतलब कैमरा लेकर मैं इसकी तरफ खड़ा हूँ, तो अब इसको निकालता हूँ बाहर। आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे अरे, ये देखो, ओ भाई, ये पूरा डर हो गया। ये देखो, अब ये ना डर रहा है थोड़ा। ताइशू ये अरे अंदर चला गया। अरे ये, और इनको काफ़ी अच्छा लगता है अगर हम इनके सर पे ऐसे करते हैं या गले के नीचे गुदगुदी करते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल जो है खाने में व्यस्त हैं, इनको जितना मर्जी खाने के लिए दे दो वो भी कम पड़ जाता है। इसको देखो, ये तो भाई खाने में बिजी है। वही कितना खाएगा भाई। तो मतलब ये जो है खाते रहते हैं, मतलब जब मर्जी देख लो। इनका बस यही काम है, खाएंगे सोएंगे, खेलना कूदना, खेलना वेलना तो बहुत ही कम रहता है इनका। ये देखो भाई, अभी डर रहा है क्योंकि मैंने देखो, अभी एक मिनट रुको, मैं
अगर मैं यहाँ से पीछे हट जाऊँगा ना तो केस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाता हूँ पहले। देखो मैं केस के पीछे आया, वही बाहर निकलने की कोशिश करेगा। चल अंदर, फिर अंदर चला गया। तो अब देखो मैं थोड़ी देर यहाँ पीछे की तरफ बैठा हूँ चेयर पर, और वो पूरी कोशिश कर रहा कि थोड़ा सा मौका मिले और बाहर निकले। ये देखो, चल अंदर, चल। अब ये देखो, अब ये कोशिश करेगा कि यहाँ से निकल कर ये पूरा बेड के नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ तो ये देखो ये देखने में तो लग रहा कि भाई सीधा सा है, बट ये देखो बहुत हरामी है। हरामी इन द सेंस मतलब बहुत नॉटी है। टाइशो अरे देख, अब जो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा मतलब इसी के पास में हो रही है। देखो ऐशो अरे देख, तू भी ब्लॉग में आ गया भाई पहली बार। अभी तक तो मैंने सिर्फ इनकी स्टोरी में मतलब इनकी फोटोज वगैरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है सिर्फ स्टोरी वगैरह में, बट ये जो पहली बार व्लॉग में आया है। और देखो वे वे टमाटर वे भाई बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को काफ़ी पसंद है। इससे पहले मेरा प्लान था कि किसी डॉग को अडॉप्ट करना, बट डॉग की जगह मैं ये लेकर आ गया। एक्चुअली मेरे को किसी फ्रेंड ने दिए हैं, तो थैंक यू अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। और मुझसे जितना होता है मैं इनकी केयर करता हूँ, मतलब इनका ध्यान रखता हूँ, और ये भी जो है काफ़ी खुश है यहाँ पर आकर। ये देखो, इसको बस मौका मिलना चाहिए यहाँ से भागने का। और ये देख भाई, थैंक यू वो देखो आवाज़ कर रहा है वो, अगर उसके आपको आवाज़ आ रही होगी तो दूसरा वाला एक मिनट को उसका आवाज़ सुना। तो अभी जो ये दोनों है ना बहुत मतलब काफ़ी अच्छे मूड में खुश हैं अभी, इसीलिए ये इतने मतलब आवाज़ कर रहे हैं और कूद रहे हैं। ये देखो अभी दोनों फिर से खाने में बिजी हो रहे। ये तो भाई जब मर्जी देख रहे हो खाने में बिजी रहता है ये तो गुरुगुरे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, छोटा ही वीडियो था। और मैं तो जो है अपने पूरे सीरीज अपना मतलब जितने शॉर्ट वगैरह किए मैं सारे देखने वाला हूँ लॉकडाउन में। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी जाके देख सकते हैं, मैं मेरे चैनल पर आपको सारे मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे जितने मैंने रोड ट्रिप करी हैं। और मेरे को एक बार किसी सब्सक्राइबर ने कुछ टाइम पहले कमेंट किया था कि वीडियो को क्वालिटी इम्प्रूव हो चुकी है और ऑडियो क्वालिटी भी, तो भाई थैंक यू दिल से। आप मेरा वीडियो देखते हो, आपने मेरे वीडियो देखने के बाद कमेंट किया और कुछ सजेस्ट किया, अपना कंप्लीमेंट दिया, तो उसके लिए थैंक यू। और मैंने वहाँ उन्होंने बोला था कि शायद कैमरा ले लिए, तो भाई मैंने कोई कैमरा नहीं लिया है, मैं अभी भी फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। और हम बात रही ऑडियो क्वालिटी के लिए, तो उसके लिए जो है मैं बोया माइक यूज़ करता हूँ। तो जो मेरा सेटअप है वो मैं उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में भी दे दूंगा, तो वो भी वाला भी वीडियो आप जाके देख सकते हो जब मेरा ब्लॉगिंग सेटअप है किस तरीके से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। और फिलहाल के लिए जो है मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, फ़ोन से ही एडिट करता हूँ, फ़ोन से ही अपलोड करता हूँ। तो मेरा भी कोई इतना भाई इतना बड़ा चैनल नहीं है, इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि भाई मैं DSLR खरीदूँ या मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए मैं जो है ना अपना फ़ोन से ही
शूट करके और फ़ोन से एडिट करके फ़ोन से अपलोड करता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं करता हूँ, कम ही व्लॉग करता हूँ। और ज़्यादातर व्लॉग करता हूँ मैं सिर्फ जब कोई राइड पे जाता हूँ या रोड ट्रिप पे जाता हूँ तभी मैं व्लॉग करता हूँ। और तो फिर इस वाली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि जो मेरा स्पीति का टूर था वो मेरा किस तरीके से प्लान किया हमने और कितना मेरा खर्चा रहा, वो सारा पूरा इंडोर वीडियो होगा और वो मैं कुछ दिनों में ही बना दूंगा। बाकी अगर आपको और भी किसी से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हैं, हो सकता अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो हुआ तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं उसको वैसे ही कमेंट में या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी रिप्लाई कर दूंगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मतलब मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड। तो फिर इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइड सेफ।